वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पर कैंट क्षेत्र अधिकारी श्याम देवबिंद की अध्यक्षता में रामगढ़ताल थाने के अंतर्गत आजाद नगर चौकी पर आगामी त्योहार होली शिव बारात को शांतिपूर्वक मनाने व आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि होली का त्योहार खुशी का त्योहार होता है, वही लोगों से अपील किया जा रहा है कि इस त्योहार को लोग शांतिपूर्वक मनाएं। उन्होंने बताया कि लोगों से जानने की भी कोशिश की गई है कि होलिका दहन में किसी भी प्रकार विवाद हो तो हमें तुरंत अवगत कराएं और होली और शबे बारात त्योहार को भाईचारे के साथ मनाएं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। उन्होंने बताया कि शबे बारात त्योहार को देखते हुए पुलिस की ड्यूटी हर संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न न होने पाए। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना अध्यक्ष सुशील शुक्ला, आजाद नगर चौकी इंचार्ज पुरुषोत्तम आनंद सिंह, चंद्रेश्वर यादव, देवेंद्र यादव, प्रवीण सिंह तथा अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैन श्याम देवबिंद ने कहा, जैसे हम लोग का जगह रोड पे है, किनारे बोले की मतलब हम यहाँ से उतार व्यक्तिगत समस्या नहीं, होली के संबंध में कहीं कोई लड़ाई झगड़े की संभावना हो, किसी गांव में विवाद हो, माँ बीता है उसको लेकर किसी न किसी के समर्थक तो आती रहेगा, जिसको जो पसंद आएगा उसको हमें जो है व्यक्तिगत जो है कि झगड़े में तब्दील नहीं करना है, ठीक है। चाहता है उसके साथ ना खेले तो खेलना चाह रहा है उसके साथ खेले, ठीक है। ये देखिए आगामी होली का के त्यौहार के दृष्टिगत ये पीस कमेटी की मीटिंग आज चौकी आज़ाद नगर थाना रामगढ़ताल पे बुलाई गई है। इसका मुख्य मकसद है कि होली का त्यौहार जो है वो खुशी का त्यौहार है, लोग शांति के साथ मनाएं, ये लोगों से अपील की गई है। बाकी जनता से जानने की भी कोशिश की गई है कि होलिका दहन या होली के संबंध में कहीं कोई विवाद हो तो उससे हमें अवगत कराएं। तो कोई विशेष विवाद कहीं से नहीं बताया गया, छोटी मोटी बातें बताई गई हैं। इसके लिए जो है कि हम लोग उसको दिखवा लेंगे और समय रहते शॉर्ट आउट करा लेंगे। और हम जनता से अपील की गई है कि इसको भाईचारे के साथ मनाएं, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, हंसी खुशी के साथ मिलकर होली मनाएं और मिलकर रहें, ये हमने जनता से अपील की है।